सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है एयरफोर्स स्पेशल की जो वो कैब है मैराथन हमारी, उसके पार्ट टू पर आज चर्चा करेंगे। आपकी क्लास जो नहीं चल रही है उसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि जो है देखिए मैंने कहा था कि अगर आप लोग अपनी संख्या मेंटेन नहीं करेंगे तो मुझे क्लास बंद करना पड़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो आपकी दिसंबर से बैच चलेगी, जो नए बच्चे होंगे उनको दिसंबर से पूरा मिलेगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं वो कैब स्पेशल में, जो आगे हम लोगों का आज का टॉपिक है। कल हम लोगों ने दोस्तों 120 तक देख लिया था, ठीक, अर्थात मतलब पिछले वीडियो में हमने 20 वर्ड तक देख लिया था। आज हम लोग जो है उसके आगे देखेंगे वर्ड नंबर 121 से। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 121 से देखेंगे और देखते हैं कि 121 में आपके लिए क्या है। तो जैसा पहला देख रहे होंगे आप, लिखा है 121 में सिडेटिव। जी हाँ दोस्तों, लिखा है सिडेटिव। सिडेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए एक मतलब कि जो नींद की गोली होती है दोस्तों, ए ड्रग और अदर सबस्टांसेस दैट इंड्यूस स्लीप, मतलब कि ऐसी दवा जो सोने के लिए दी जाती हो उसे कहते हैं सिडेटिव। सिडेटिव का मतलब ऐसी दवा जो सोने के लिए दी जाती हो उसे सिडेटिव कहते हैं या फिर निद्रा कारक कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में ये वर्ड पूछा गया था। सिडेटिव, सिडेटिव का मतलब क्या होता है, तो सिडेटिव का मतलब होता है निद्राकारी या एक ऐसी दवा जो सोने के लिए दी जाती हो। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो एक्सटेम्पर। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर का मतलब हुआ दोस्तों ए स्पीच डिलीवर्ड बाई विदाउट एनी प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेम्पर का मतलब हुआ कि एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाती हो उसे कहते हैं एक्सटेम्पर। तो दोस्तों आप जो है एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत कम लोग देख रहे हैं। आशीष, विशाल, किशन, नील प्रताप, आप सब लोग एक बार शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों। लाइक भी बहुत कम है और बच्चे भी बहुत कम देख रहे हैं, तो एक बार आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों। तो मतलब कि एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर माने हमने बताया कि एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता हो उसे कहते हैं सिडेम्पर। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों, तो अगला वर्ड जो हमारा है, अगला वर्ड क्या है देखिएगा, कॉर्निवरस। जी हाँ दोस्तों, कॉर्निवरस। तो कॉर्निवरस का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कार्निवरस का मतलब, देखिए कार्नि का मतलब होता है मांसा और वरस का मतलब भारी, मतलब कि मांस खाने वाले, जो व्यक्ति मांस खाते हो दोस्तों उन्हें कहते हैं कार्निवरस, मांसाहारी। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, मतलब कि जो फ्लैश खाते हो या मांस खाते हो दोस्तों उन्हें कहते हैं कार्निवरस, और कार्निवरस का मतलब होता है मांसाहारी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों स्यूडोनेम। जी हाँ दोस्तों, स्यूडोनेम, स्यूडोनेम का मतलब क्या होता है, देखिए पी लगा हुआ है यहाँ पे, पी साइलेंट है दोस्तों, ठीक। तो देखिए इसको कहते हैं स्यूडोनेम। स्यूडोनेम का मतलब होता है दोस्तों नकली, क्या होता है नकली। नकली का मतलब क्या हुआ कि जैसे रोल देखते होंगे आप, रोल देखते होंगे जैसे नाटक वाटक होता है तो उसमें कोई नकली रोल धारण करता है, तो वही चीज़ है दोस्तों स्यूडोनेम। स्यूडोनेम का मतलब होता है नकली या फिर छदम। ए देखिए लिखा है ना, ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन एज्यूम बाई एन ऑथर, एक ऐसा नाम, एक ऐसा आका, एक ऐसा कलाकारी जो कि किसी ऑथर के द्वारा बनाई गई हो उसे कहते हैं स्यूडोनेम, और स्यूडोनेम का मतलब होता है दोस्तों नकली। वही अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों, तो अगला वर्ड हमारा क्या है देखिएगा, अगला वर्ड है दोस्तों एपैथी। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड है एपैथी। अब एपैथी का मतलब क्या हुआ देखिएगा, एपैथी देखिए हमने बताया था दोस्तों, एक तो होता है आपका एपैथी लिखा है ना यहाँ पे, एक तो आपका होता है, चलिए देखते हैं बताएंगे आगे। एपैथी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भावना ना हो दोस्तों, जिसके अंदर कोई जिज्ञासा ना हो, जिसके अंदर कोई मानवता ना हो दोस्तों, उसे ही कहते हैं एपैथी, ठीक, उसे कहते हैं एपैथी। और एपैथी का मतलब लैक ऑफ फीलिंग, अर्थात जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो दोस्तों। हिज एपैथी जस्ट मेड लायर इवन मोर देन फ्रस्ट्रेटेड। जी हाँ दोस्तों, अर्थात एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, मतलब जिसके अंदर
अनुभव मतलब वो फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासा की कमी हो या फिर भावना की कमी हो, उसे कहते हैं एपैथी। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो सेरेंडिपिटी, जी हाँ दोस्तों सेरेंडिपिटी, इसका मतलब क्या होता है, अचानक धन लाभ होना, अर्थात एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। जी हाँ दोस्तों एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून मतलब हुआ सेरेडेंटिपी, इसका मतलब हुआ अचानक धन का लाभ होना। वहीं दोस्तों अगर हम अगली वर्ड की बात करें तो देखिएगा एपीलॉग, एपीलॉग का मतलब क्या होता है, एपीलॉग का मतलब होता है दोस्तों उपसंहार। जी हाँ दोस्तों शॉर्ट स्पीच और पोयम गिवेन एट द एंड एट पोयम और ड्रामा, मतलब एपीलॉग, एपीलॉग का मतलब होता है दोस्तों उपसंहार। जी हाँ दोस्तों एपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार। वहीं दोस्तों एक और होता है वर्ड, वो होता है एपीटॉफ, एपीटॉफ, और एपीटॉफ मतलब होता है दोस्तों समाधि। जी हाँ दोस्तों एपीटॉफ मतलब होता है समाधि, ठीक। तो एपीटॉफ से बना है एपीलॉग और एपीलॉग का मतलब होता है आपका उपसंहार। वहीं अगला वर्ड आप देख रहे होंगे दोस्तों चौफर, जी हाँ दोस्तों चौफर, चौफर का मतलब क्या हुआ, चौफर का मतलब हुआ दोस्तों जो अपनी स्वयं की कार चलाता हो, चौफर का मतलब हुआ जो अपनी स्वयं की कार चलाता हो उसे कहते हैं चौफर, ठीक। तो ये आगे वर्ड देखते हैं दोस्तों आवर मोटर कार्स, तो यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, मतलब जो अपनी निजी कार चलाता हो दोस्तों उसे कहते हैं चौफर, ठीक। द चौफर ड्रोव देम स्ट्रेट टू थिएटर, मतलब कि वो अपनी कार जो है सीधे थिएटर ले गई। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों सोनेट, सोनेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, सोनेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कोई ऐसी कविता हो, कोई ऐसी कविता जो 14 लाइन की हो, ठीक, कोई ऐसी कविता जो 14 लाइन की हो उसे सोनेट कहते हैं दोस्तों। ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स, ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स मतलब एक ऐसी कविता जो 14 लाइन की हो उसे सोनेट कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है। वहीं अगर हम आगे बात करें इनफेलिएबल, इनफेलिएबल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए फेल, फेल से बना हुआ है दोस्तों, फेल मतलब होता है फेल होना, और इसमें देखिए बी एल ई लग गया फेलेबल, फेलेबल का मतलब फेल होने योग्य, और वहीं अगर आगे इन लग गया दोस्तों तो मैंने कहा था देखिए इसमें प्रीफिक्स भी लगा है सफिक्स भी लगा है, बी एल ई जो लगा है आई बी एल ई ये आपका जो है सफिक्स है, वहीं आई एन जो इन लगा है ये आपका प्रीफिक्स है। संडे वाली मैराथन में आपको मैंने इसको बताया था दोस्तों। तो इनफॉलिएबल का मतलब होता है कि जो गलती करने के योग्य ना हो, अर्थात दोस्तों जो अचूक हो, जो अमोघ हो, अर्थात इनकैपेबल और एरर, अर्थात जो गलतियां ना करता हो दोस्तों उसे कहते हैं इनफॉलिएबल या अचूक। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों तो अगला वर्ड क्या है देखिएगा क्रेड्यूलस, जी हाँ दोस्तों क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है, देखिए एक चीज याद रखिएगा क्रेड, क्रेड का मतलब होता है दोस्तों विश्वास, क्रेड का मतलब होता है विश्वास। जैसे आप जानते होंगे क्रेडिट, कहीं हमका यार 50 रुपया हमारे क्रेडिट पे दे दिया, मतलब क्रेडिट का मतलब हमारे विश्वास पर आप हमें 50 रुपये उधार दे दीजिए दोस्तों। वहीं क्रेड से बना हुआ है तुम्हारा यू एल ओ यू एस, क्रेड्यूलस हो गया। तो क्रेड्यूलस का मतलब होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो जो मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेता हो दोस्तों उसे क्रेड्यूलस कहते हैं। मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव एवरीथिंग ही और सी इज टोल्ड, जी हाँ दोस्तों वन हु बिलीव एवरीथिंग मतलब कि एक व्यक्ति जो किसी पर भी विश्वास कर लेता हो, आसानी से विश्वास कर लेता हो उसे कहते हैं क्रेड्यूलस, और क्रेड्यूलस का मतलब होता है दोस्तों आसानी से विश्वास करने वाला। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है एलिमनी, जी हाँ दोस्तों एलिमनी, एलिमनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए एलिमनी का मतलब होता है दोस्तों एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हों तो उनको जो भरण पोषण की राशि दी जाती है दोस्तों, उनको जो भरण पोषण की राशि दी जाती है उसे एलिमनी कहते हैं, अर्थात एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ ऑन सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, मतलब जब वह अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है तो उसके बाद जो धनराशि उसे दी जाती है उसे एलिमनी कहते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों फैंटसी, जी हाँ दोस्तों फैंटसी,
फैंटसी का मतलब होता है दोस्तों कोरी कल्पना करना, फैंटसी का मतलब कोरी कल्पना करना या फिर वाइल्ड इमेजिनेशन, अर्थात ऐसी कल्पना दोस्तों जिसका कोई महत्व ना हो, जिसकी कोई मतलब कि पूरा होने की आशा ना हो, तो उसे कहते हैं कोरी कल्पना या फिर वाइल्ड इमेजिनेशन या फिर फैंटसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं देखिए दोस्तों एनोनिमस, एनोनिमस देखिए जब मैं वहाँ पर क्विज डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जब मैं क्विज डालता हूँ दोस्तों आपके सॉल्व करने के लिए, तो उसमें देखिए कभी कभी लिख के आता है एनोनिमस क्विज। एनोनिमस क्विज का मतलब होता है दोस्तों बिना नाम के, बिना नाम के, जिसका कोई नाम ना हो, तो वही एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब बिना नाम के। ए बुक रिटन बाई अननोन ऑथर, उसे कहते हैं दोस्तों अनाम या बिना नाम के। वहीं अगर हम आगे बात करें डिजास्टर, जी हाँ दोस्तों डिजास्टर बहुत अच्छा वर्ड है, आप सब लोग जानते होंगे। बताइए डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, कमेंट करिए। आशीष, मोहित, अभिषेक, पंकज, नीरज, किशन, भाई बंधु, नील प्रताप, अभिषेक, सब लोग कमेंट करिए दोस्तों, बताइए डिजास्टर का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे डिजास्टर का मतलब, बहुत पुराना वर्ड है डिजास्टर। कहीं है देखा डिजास्टर, उस डिजास्टर में ये एक्सपायर हो गया। मतलब दोस्तों डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, एन इवेंट दैट काज ग्रेट हार्म और डैमेज, अर्थात जब किसी ऐसी घटना से ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाए उसे कहते हैं डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एन इवेंट दैट काज ग्रेट हार्म और इमेज डैमेज। वही दोस्तों आगे देखिए इनकरेजबल, जी हाँ दोस्तों देखिए करेज, देखिए करेक्ट, करेक्ट से बना है, करेक्ट का मतलब होता है सही करना, और करेजबल, करेजबल का मतलब होता है सही करने योग्य। और वहीं आगे दोस्तों एक प्रीफिक्स लग गया, इन लग गया, और मैंने कहा कि जब भी कोई प्रीफिक्स लगता है दोस्तों तो 90 से 95% वो एंटोनिम बनाता है। तो करेजबल का मतलब होता है दोस्तों जिसको सुधारा जा सके, और वहीं इन लग गया अर्थात इनकरेजबल, जिसको सुधारा ना जा सके दोस्तों, अर्थात अपरिवर्तनीय। तो इनकरेजबल का मतलब होता है दोस्तों अपरिवर्तनीय। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देख रहे होंगे फेमिनाइन, जी हाँ दोस्तों फेमिनाइन, देखिए देखिए फैमिन लिखा है दोस्तों, फैमिन का मतलब क्या हुआ, देखिए फैमिन का मतलब हुआ दोस्तों अकाल, जब कोई अकाल पड़ जाए, भूख से लोग तड़पने लगे दोस्तों, तो उसे फेमाइन कहते हैं। और फेमाइन का मतलब दोस्तों देखिए वाइड स्प्रेड स्कैर्सली ऑफ फूड, अर्थात जब भोजन की कमी हो जाए दोस्तों तो उसे कहते हैं फेमाइन, और फेमाइन का मतलब होता है दोस्तों अकाल। वहीं अगर हम अगली बात के वर्ड की बात करें दोस्तों जिंजिविटीज, जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिंजिविटीज, और जिंजिविटीज का मतलब होता है दोस्तों मसूढ़े में दर्द, जी हाँ दोस्तों जिंजिविटीज का मतलब दर्द, जी हाँ जैसे देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है दोस्तों मसूढ़ों में सूजन या फिर मसूढ़ों में दर्द दोस्तों, तो जिंजिविटीज का मतलब होता है मसूढ़ों में सूजन। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों क्लेस्ट्रोफोबिया, देखिए वर्ड आ गया दोस्तों फोबिया, फोबिया का मतलब होता है, मैंने बताया था फोबिया का मतलब होता है भय या डर, और वहीं क्लेस्ट्रो लिखा हुआ है दोस्तों, क्लेस्ट्रो का मतलब किसी तंग स्थान का या अंधेरे स्थान का जो डर होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति को किसी कमरे, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और वो डर जाता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया या फिर तंग स्थान या अंधेरे से डर। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों मैथोफोबिया, जी हाँ दोस्तों मैथोफोबिया, और मैथो का मतलब क्या होता है आप ये जानिए पहले, मैथो का मतलब होता है दोस्तों झूठ, और फोबिया का मतलब होता है डर, अर्थात ए पर्सन हु फियर ऑफ टेलिंग लाइज, एक आदमी जो झूठ से डरता हो दोस्तों उसे झूठ का भय अर्थात मिथोफोबिया कहते हैं, फीलिंग ऑफ टेलिंग लाइज। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 20 वर्ड, हमने कल जो है 101 से 120 तक देखा था, और आज हम लोग 120 से 140 तक देखे दोस्तों। अगला वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो 140 से 160 तक देखेंगे। 100 वर्ड आपको मैं वन वर्ड दूंगा, 100 वर्ड मैं आपको आइडियम्स फ्रेज दूंगा, 100 वर्ड आपको एंटोनिम दूंगा, 100 वर्ड आपको सेनोनिम दूंगा, जो कि एयरफोर्स और एएफ कैट के लिए बहुत महा मतलब कि महा मैराथन क्लास जान लीजिए इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम राम बाण जान लीजिए। तो आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए दोस्तों। अगर आपकी संख्या हमको प्रभावित कर गई, अगर आपकी संख्या हमको प्रभावित कर गई तो आपकी क्लासेस जैसे पहले चलती थी वैसे चला दी जाएंगी। तो ये आपका कर्तव्य है दोस्तों, आप इसको शेयर करें, क्या करें क्या ना करें वो आप जानें, बस ये जान लीजिए कि आपकी संख्या हमको अगर प्रभावित कर गई तो आपकी सारी क्लासेस जैसे पहले चलती थी उसी तरह चलेंगी दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।